गुजरात में विधानसभा की चूंटणी ने लईने दिल्ली ना मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी ना संयोजक अरविंद केजरीवाल वारंवार गुजरात ना प्रवासे आवी रहा छे अने गुजरात की जनता ने चूंटणी लक्षी गेरंटी आपी रहा छे। विधानसभा की चूंटणी ने लईने आ गेरंटी छे के खास जनता माटे आ गेरंटी छे तो आवनार समय ज बतावशे। अने अरविंद केजरीवाले आजे विधानसभा की चूंटणी ने लईने एक गेरंटी आपी छे महिलाओं ने अनुलक्षी ने तेमनी आ पांचमी गेरंटी छे। ગુજરાતના રાજકારણમાં અને ગુજરાતમાં આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ત્રિપાંખિયો જંગ જામશે એ તો સૌ કોઈ જાણે છે। સૌથી વધારે ચૂંટણીની તૈયારીઓમાં અત્યારે સક્રિય આમ આદમી પાર્ટી અને ભાજપ દેખાઈ રહ્યા છે એ પણ સૌ કોઈ જાણે છે। પરંતુ જ્યારે જ્યારે અરવિંદ કેજરીવાલ તરફથી ગુજરાતની જનતા માટે કોઈ વાયદાઓ કે વચનો કરવામાં આવે છે ત્યારે ત્યારે ગુજરાત કક્ષાએ ભાજપ તરફથી જવાબ નથી આપવામાં આવતો, પરંતુ તેનો જવાબ કેન્દ્રમાંથી આવે છે। આજે પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અરવિંદ કેજરીવાલનું નામ લીધા વગર તેના પર પ્રહાર કર્યા છે। સૌથી પહેલા શોર્ટકટની રાજનીતિને લઈને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અરવિંદ કેજરીવાલ પર પ્રહાર કર્યા છે। સાંભળો આ વિડીયોમાં શું કહ્યું છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ। નમસ્કાર, હું સેજલ સોનછત્રા, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક। જિન લોગો મે રાજનીતિક સ્વાર્થ કે લિયે शॉर्टकट अपनाकर समस्याओं को टाल देने की प्रवृत्ति होती है, वो कभी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं कर सकते। शॉर्टकट अपनाने वालों को कुछ समय के लिए वाहवाही भले मिल जाए, राजनीतिक फायदा भले हो जाए, लेकिन समस्या कम नहीं होती। इसलिए ही मैं कहता हूं कि शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट अवश्य होता है। शॉर्टकट पर चलने के बजाय हमारी सरकार समस्याओं के स्थायी समाधान में जुटी है। तो अरविंद केजरीवाल तेमनी छेल्ली सभा में गुजरात की जनता ने कही हतु कि हमारी सरकार तो फक्कड़ सरकार छे, हमारी पासे पैसा नहीं, हमारी सरकार आम आदमी पार्टी नी सरकार छे, गुजरात नी जनता ए अमने जीताड़वाना छे अने अमे जनता माटे काम करीशु। केजरीवाल ना आज शब्दों ने लईने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए तेमना पर प्रहार कर्या छे। सांभळो शुं कह्युं छे। मैं बताता हूं आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है और मैं बताता हूं आपको इस देश में फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है। एक कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी ने लोन लिया कई बैंकों से, खा गए वो लोन, बैंक दिवालिया हो गए और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दिया कुछ चंद करोड़ रुपए का और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। साथियों, अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे, वो किसान से झूठे वायदे करेंगे लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए इथेनॉल जैसे प्लांट कभी नहीं लगाएंगे। वो बढ़ते प्रदूषण पर हवाई बातें करते रहेंगे लेकिन उसको रोकने के लिए जो कुछ करना होगा
उससे दूर भागेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये नीति नहीं अनीति है, ये राष्ट्रहित नहीं ये राष्ट्र अहित है, ये राष्ट्र निर्माण नहीं राष्ट्र को पीछे धकेलने की कोशिश है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए साफ नीयत चाहिए, निष्ठा चाहिए, नीति चाहिए। इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ती है और सरकार को बहुत सारी राशि निवेश करनी पड़ती है। जब सरकारों के पैसा होगा ही नहीं, उसके पास धन ही नहीं होगा, तो इथेनॉल प्लांट, बायोगैस प्लांट, बड़े बड़े सोलर प्लांट, हाइड्रोजन गैस के प्लांट जो आज लग रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। हमें ये याद रखना है कि हम भले ही रहे या न रहे, लेकिन ये राष्ट्र तो हमेशा रहेगा, सदियों से रहता आया है, सदियों तक रहने वाला है, उसमें रहने वाली संतानें भी हमेशा रहेगी। हमें हमारी भावी संतानों के भविष्य को बर्बाद करने का हक नहीं है। साथियों, आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान करने वालों ने भी इसी शाश्वत भावना से काम किया है। अगर वो भी तब अपना सोचते हैं, अपना स्वार्थ देखते, तो उनके जीवन में भी कोई कष्ट नहीं आता। वो कठिनाइयों से, गोलियों से, फांसी के फंदे से, यातनाओं से बच जाते, लेकिन उनकी संतानें यानी हम भारत के लोग आज आजादी का अमृत महोत्सव नहीं मना पाते। अगस्त का ये महीना क्रांति का महीना है, इसलिए एक देश के रूप में हमें ये संकल्प लेना है कि ऐसी हर प्रवृत्ति को बढ़ने नहीं देंगे। ये देश का सामूहिक दायित्व है। तो एक लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर प्रहार करवानु पण चूक्या नथी। कांग्रेसे काला कपड़ा पहरीने जे विरोध नोंधाव्यो हतो तेने लईने पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए कांग्रेस पर प्रहार कर्या छे। शुं कह्युं छे पीएम मोदीए सांभळो। साथियों, आजादी के इस अमृत महोत्सव में आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को भी समझना जरूरी है। हम जानते हैं, कभी कभी कोई मरीज अपनी लंबी बीमारी के इलाज से थक जाता है, निराश हो जाता है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद जब उसे लाभ नहीं होता, तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो झाड़ फूंक कराने लगता है, टोने टोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है। ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं, सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है।
ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। और मैं ये भी कहूंगा, इस काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें, तिरंगे का अपमान न करें। साथियों, कुछ राजनीतिक दलों की स्वार्थ नीति से अलग हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास के लिए सकारात्मक विश्वास की ऊर्जा इसी तरह पैदा होती रहेगी। गुजरात में विधानसभा चूंटणी भड़कारा वागी रहा है। गुजरात माटे सत्ता पक्ष अने विपक्ष अने आम आदमी पार्टी तमाम तरफ थी तैयारीओ छेक दिल्ली कक्षाए थी करवामां आवी रही छे, परंतु जनता कोनी मेहनत पर मेहरबान थशे ते तो आगामी समय ज बतावशे। खैर, अत्यारे आ वीडियो में बस आटलू ज। गुजरात साथे जोडायेला तमाम रसप्रद समाचारों जाणवा माटे आप जोता रहो गुजरात तक।